टेल नेक्स्ट 9 न्यूज आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक देखने को मिलता है कि सेलिब्रिटीज किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी, लेकिन दूसरी ही तरफ अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल के चलते भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम बात करेंगे एक और पॉपुलर स्टार किड के बारे में, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सिंगिंग के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे टाइटल के जरिए हमने बात की है यहाँ पर दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल की लाडली प्यारी बेटी कविता पौडवाल के बारे में। जी हाँ, आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अनुराधा के साथ साथ उनकी प्यारी सी बेटी कविता के बारे में बात करेंगे। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि अनुराधा पौडवाल ने अपनी गायकी के जरिए हमेशा ही आप सभी के दिलों पर राज किया है, लेकिन उनकी प्यारी सी बेटी कविता क्या करती हैं, कितनी आलिशान जिंदगी बिता रही है, कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बीटाउन के गलियारों में हमेशा ही देखने को मिलता है कि सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के चलते भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, जहां भी जाते हैं किसी भी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, किसी भी इवेंट में शिरकत करते हैं या फिर मुंबई में कहीं ना कहीं स्पॉट किए जाते हैं। उस दौरान देखने को मिलता है कि अपने लाइफ स्टाइल के जरिए, अपने स्टाइल स्टेटमेंट के जरिए हर किसी को दीवाना कर देते हैं। अक्सर फैंस जानना चाहते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लग्जरियस लाइफस्टाइल और उनकी नेटवर्क के बारे में। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं अपनी ही मेहनत के दम पर, और कई सेलिब्रिटीज हैं जो आज अरबों की संपत्ति के मालिक हैं और काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं अपने परिवार के साथ। मुंबई में कई आलीशान घर हैं कई सेलिब्रिटीज के, और इन आलीशान घर में काफी आलीशान तरीके भी, और इन खूबसूरत और आलीशान घर में बेहद शानदार तरीके से रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं मशहूर दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल की लाडली प्यारी बेटी कविता पौडवाल के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे अनुराधा पौडवाल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुराधा पौडवाल ने ना सिर्फ फिल्मों में अपनी आवाज दी है, बल्कि उन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए हैं, जिसके लिए वह जानी जाती हैं। अनुराधा पौडवाल ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 1973 में की थी, जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म अभिमान आई थी, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म काली चरण से। इस फिल्म में उन्होंने 1/2, 2/4 गाना गाया था, जिसके बाद अनुराधा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब अनुराधा पौडवाल सिंगिंग की दुनिया से दूर है। अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ खोया है। जहां एक तरफ अनुराधा ने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, वहीं दूसरी ही तरफ अनुराधा ने बीते कुछ साल पहले अपनी लाडली प्यारे बेटे आदित्य पौडवाल को खोया है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल के बारे में साल 2020 में 12 सितंबर के दिन किडनी फेलियर के चलते महज 35 साल की उम्र में आदित्य का निधन हो गया। अपने बेटे के निधन से अंदर से बुरी तरह से टूट गई अनुराधा पौडवाल, लेकिन अब अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही हैं। अनुराधा का खास ख्याल रखती हैं उनकी बेटी कविता पौडवाल। अपनी बेटी के साथ वह खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से अनुराधा ने सिंगिंग करियर में अपनी खास पहचान बनाई,
अनुराधा पौडवाल ने तकरीबन 10 साल से ज्यादा का वक्त टी सीरीज को दिया, टी सीरीज के साथ काम किया। वहीं फिल्में छोड़कर उन्होंने भक्ति गीत गाना भी शुरू कर दिया, लेकिन जिसके बाद उनका करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। लेकिन आज के समय में अनुराधा पौडवाल सिंगिंग की दुनिया से दूर है। बता दें आपको, अनुराधा पौडवाल को फिल्म आशिकी दिल है कि मानता नहीं के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड भी के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, अनुराधा पौडवाल की आवाज फैंस को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्हें अगली लता मंगेशकर जी भी कहा जाने लगा था। लेकिन बात की जाए अनुराधा की बेटी कविता पौडवाल के बारे में, वेल, इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कविता पौडवाल की तस्वीरें। कविता पौडवाल भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा स्टाइलिश है और लाखों में कमाई करती हैं कविता पौडवाल। लेकिन आपको बता दें, कविता पौडवाल भी अपनी माँ की तरह एक सिंगर हैं। जी हाँ, प्लेबैक सिंगर रही हैं कविता पौडवाल भी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कविता ने अलग पहचान बनाई एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ चुका है कि अब उन्हें काम नहीं रिपीट हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये भी सामने आया है कि कविता पौडवाल को अब काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते उन्होंने अब दूसरा प्रोफेशन चुन लिया है। कविता पौडवाल, जिन्होंने बॉलीवुड में भले ही गाने ना गाए हों, लेकिन अपनी माँ की तरह भक्ति गीत गाती हैं कविता पौडवाल, और अब तक तकरीबन 16 भक्ति एल्बम के लिए वह गा चुकी हुई और अब तक तकरीबन 16 भक्ति एल्बम के लिए गाने गा चुकी हैं। कविता पौडवाल ने अपनी सिंगिंग के जरिए ही अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। कविता पौडवाल भले ही फेमस नहीं हुई भी, भले ही उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम ना रखा हो, लेकिन वह गरबा डांडिया से लेकर छोटे बड़े पब्लिक इवेंट्स में परफॉर्म करती हुई दिखाई देती हैं, जिसके जरिए वह लाखों में कमाई कर लेती हैं। सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि लाइव वीडियोस और तस्वीरें वह शेयर करती हुई नजर आती हैं और लाइव शो के जरिए ही वह लाखों रुपए कमा लेती हैं। उन्हें भक्ति गाने गाने के लिए बुलाया जाता है। करीबी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि कविता पौडवाल की इनकम का बड़ा सोर्स है लाइव प्रोग्राम्स और एल्बम, और इस तरह से कविता पौडवाल ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना रखी है जानकारी के लिए आपको बता दें, अनुराधा पौडवाल ने अपने पति अरुण पौडवाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। साल 1991 में अरुण पौडवाल का निधन हो गया, जिसके बाद अनुराधा ने अपने परिवार को अकेले ही संभाला। लेकिन अब उनके बेटे भी इस दुनिया में नहीं हैं और अब उनका सहारा है उनकी लाडली प्यारी बेटी कविता पौडवाल। कविता पौडवाल भी काफी खूबसूरत हैं, जैसा कि आप देख ही रही होंगी इस रिपोर्ट में, और आज के समय में वह भी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं। रिपोर्ट्स की माने कहा जाता है कि कविता पौडवाल तकरीबन $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति की मालकिन है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया है कि कविता पौडवाल जी हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जाता है। वहीं मुंबई में एक शानदार आलीशान घर में रहती हैं कविता पौडवाल अपनी माँ अनुराधा पौडवाल के साथ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में, अनुराधा पौडवाल और कविता ने अपने घर को कितनी ही खूबसूरती से सजा रखा है। दोनों ही माँ बेटी जब भी किसी इवेंट में नजर आती हैं, उस दौरान दोनों का लग्जीरियस लुक भी देखने को मिलता है, जो साबित करता है कि वाकई में कविता भी काफी आलीशान जिंदगी बिता रही हैं।
आप सभी ने देखा जाना अपनी माँ अनुराधा की तरह कविता ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सिंगिंग के जरिए अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। अपनी माँ के नक्शे कदम पर चली हैं कविता पौडवाल और आज के समय में मशहूर गायिकाओं में उनका नाम शुमार है। इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।